कर कृपा प्रभु साध संग मेरी या फिर देखा पा मेरा अलवेली या फिर देखा कर कृपा प्रभु साध संग अंदरों मंगे हो कर केर समार सवेरा कर कृपा प्रभु साध संग हरे या फिर देखा या फिर देखा
हेली हल्लो वे हर कृपा प्रभु साध संग हर कृपा प्रभु साध संग हरे कर कर ली कर सारी संगत मेरे कलगियां वाले दे प्यार विच गज के आखो सतनाम जिन्ना नई हाजरी लाई रसना भी पवित्र करो ते असीस रूपी हाजरी लाओ असीस रूपी गज के आखो सतनाम एक लासा ने बाबे नानक दे कर दिया जिवें दुनियावी स्कूल विच पहली क्लास है दूजी है तीजी है चौथी है पंजवी है इस तरह गुरु नानक दे कर दियां भी क्लासा ने ते कोई साडे चो अजे पहली चे कोई दूजी चे कोई तीजी चे कोई चौथी च फिर कोई कबीर वर्गा डबल एम ए च पहुंच जाता है तू तू करता तू हुआ वो डबल एम ए ये नवा प्रकरण महाराज जी सेवा लैण हर चीज दी अपनी अपनी पौड़ी है। आज पहली क्लास दा जिक्र होएगा ते ये थोड़ा पहली क्लास दा जिक्र है ते मेरा ख्याल ते सारयां ते कृपा होएगी पर चलना इत्थों ही पएगा तां ही प्रकरण पूरा हर चीज की अवस्था है जिमें महापुरश कहते सी रटना जपना ध्याना वाहगुरु वाहगुरु रटन का अपना महात्म है जपन से आ जाओ महात्म बन जाता है ध्यान से आ जाओ महात्म होर बन जाता आ जी आप हाथी सेवा करते हैं यदि भी अलग अलग क्लासा ने सेवा कहनी ये अलग महत्व सेवा करनी ये अलग महत्व हूँ सेवा करनी तो बाद होंगे सेवा कमाउनी आखो सतनाम ये हर चीज दियाँ क्लास है सेवा करनी कराउनी अलग महत्व है आप करनी अलग महत्ता में पर सेवा करने तो बाद एक अवस्था है सेवा कमाउनी कमाण लग पे इतना ही जड़ा अमृत है कलगियां ले दा एदा भी प्यारियां प्यारियां स्टेजां ने एक है अमृत छकना एक है अमृत धारी निधारण कर ले एक है गात्रा पौना एक है गात्रा धारण करना गज के आखो सतनाम दसों ग्रंथ की बाणी कभी पढ़ीए कहते गात्रा पाना हो रे धारण करना हो रे कृपान पान धारियां करोड़ पाप तारियां गुरु गोबिंद सिंह कहते मेरी कृपान पाई ना धारण करी तेरे करोड़ा पाप मैं अपनी झोली च पा
पवित्र हर चीज की व्यवस्था है, प्यार है कलासा ने। ते एक बेनती है भी यह शब्द क्यों चुने है भी ये ना ही कि अरदास होंगी है जो तुम सारे बोलोगे ना कर कृपा प्रभ भी मैनू संगत मिलो मैं अगली क्लास जा क्योंकि सारी संगत जे कोई थोड़े चो पहली क्लास से असी उहदे भी चरण धो के पीने हैं पर एक गल जरूर आपां माइंड च रखनी है कि तुहाडा बच्चा होवे 11 सालां दा ते 3-4 सालां तों अगली क्लास टप्पे ही ना गए कि आखो सतनाम दुनियावी स्कूल विच तुहाडा बच्चा मान लो हुण दूजी तो तीजी जावे ही ना अगले साल फिर दूजी अगले साल फिर दूजी हर मां बाप का हिरदा दुखदा है कि मेरा बच्चा इन्ने साल हो गए अगली क्लास च ही नहीं जा रहा इस करके इस पंगती वेले या विच किते किते असीं बोलांगे गुरु बुलाएगा कद नानक आवे आ पंगती नाल चोण हुई है किते किते आ भी पंगती दे विच मंगया जाएगा बाबा जी अगली क्लास की वारी मेरी कदों है जिवें साडा बच्चा 5-4 साल तो इको क्लास रवे अगली टप्पे ही ना मां का भी हिरदा दुखदा पिता का भी दुखदा गुरु का सिख भी अगली क्लास च ना जावे किन्ने किन्ने सालां तो इको क्लास च बैठा रवे तो गुरु नानक का भी हिरदा दुखदा अगे जा ही नहीं रहा आपको सतनाम। और ये जड़ा दास ने बेनती की ना भी अगलिया क्लासा मिलनगिया संगत विच संगत करन नाल संगत किताबा राही करो सीढ़िया राही इस तरह करो महापुरशा के बचन महापुरशा की संगत गुरु ग्रंथ साहब न जोड़न वाले दे। और इस जिक्र गुरु अर्जन देव जी ने भी प्रतख किया कहते बिसर गई सब तात पराई महाराज ए क्लास किवें मिल गई इत्थे पहुंच गए पराई पराया बुरा मंगना खत्म हो गया उस वेले गुरु अर्जन देव जी ने किया जेकर एक क्लास मैनू वो तो पूरा ही सी सानू समझाया ये क्लास किवें मिली कहिंदे बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई आखो सतनाम आ स्कूल जाण तो आओ कि हर चीज़ की अपनी अपनी व्यवस्था है पौड़ी है रटना जपना ध्यावना सेवा करनी सेवा कहनी सेवा कमाउनी अमृत छकना अमृत धारी होना कृपान पानी कृपान धारी होना। तो आओ गुरु नानक दे घर दीआं क्लासां दा प्रकरण महाराज ये नवा अज शुरू करा रहे है ते गुरु नानक दे घर दी पहली क्लास सिर ते हाथ रख के सेवा लेना एक बारी पंक्ति पढ़ो प्यार ना जी कर कृपा प्रभ साथ संग मेली कर कृपा फिर देखा जा फिर देखा तेरा अल्लो बेली अल्लो बेली अल्लो बेली कर कृपा प्रभ साध संग सारे कर कृपा प्रभु संग मेली कर कृपा प्रभु संग मेली।
सारे गज आखो सतनाम। गुरु नानक दे घर दी पहली कलास, वह सारे ते कृपा होएगी, पहली है। ज्यों ज्यों अगली कलासा च फिर हो सकता है गिणती घटती जाए। गुरु नानक दे घर दी पहली कलास, पहली कलास, गुरु नानक दे घर दी पहली कलास, गुरबाणी पढ़न दे लई उद्यम करना। गज के आखो सतनाम। बहुत ध्यान देना, तुसी गुरबाणी पढ़ो, तुहाडे कान सुणन, भावें अजे उत्थे नहीं पहुंचे, जो गुरबाणी पढ़ रहे हो उन्हूं मन्नीए, अजे उत्थे नहीं। इस स्टार्टिंग पहली क्लास गुरबाणी पढ़न दा ही उद्यम करना। आखो सतनाम। पढ़न दा ही एक महापुरशां दा बड़ा प्यारा बचन है, हो सके दिल दी डायरी ते लिख लेना। ये महापुरशां दा बचन है, कहिंदे गुरबाणी गंदे पलीत मना लई साबण है। आखो सतनाम। बहुत ध्यान, पलीत लल्ला आया, पनीत नहीं। गुरबाणी गंदे पलीत मना लई साबण है, ते रोगी मना लई गुरबाणी दवाई है। ये महापुरशां दा बचन। गुरबाणी गंदे पलीत मना लई साबण है, ते रोगी मना लई दवाई है। मन टिके ना टिके गुरबाणी पढ़न दा उदम ना छड्डो, एक दिन पढ़दे पढ़दे रस आई जाए। आखो सतनाम। भावें पहली क्लास मन नहीं जुड़ रहा, पढ़ता रहा। पहली क्लास गुरबाणी पढ़ने लई सिर्फ उद्यम कर, और ये ना समझना भी ये कोई पहली क्लास गुरकबाल सिंह दस रहा है, नहीं। तुहाडे पिता गुरु नानक महाराज ने गुरु अंगद देव जी नू जदों गुरगद्दी जिम्मेवारी सौंपी, उस वेले भी यह जड़ी पहली क्लास है ना, इहदा उपदेश दिता कि गुरु नानक महाराज ने गुरु अंगद साहब नूं कहा कि अज तो बाद जेड़ा भी सिख तुहाडे कोलों सिखी लैण आवे उहनूं पहली क्लास विच बिठा के तोरना है। ओ सुणियो जी पंक्तियां सूरज प्रकाश दीआं, श्री मुख ते मैं मां पुन पाखी, 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 श्री मुख ते मैं मां पुन पाखी। जो नर है सिखी अवलाखी, जो नर है सिखी अवलाखी, अगलियां पंक्तियां लाइना मैं टाइम बचा रहे हैं। ये वेखो गुरु नानक महाराज ने कहा जे गुरु अंगद देव जी, श्री मुख ते
मैं मां पुन पाखी जो नर है सिखी अविलखी जेड़ा तुहाडे को आवे सिखी लैणी है ते आ पहली क्लास चढ़ा देना। नित मैं उठे से करे इशनाना जप पढ़ है एक चित सावधाना जप जब जी साहब गुरु नानक महाराज कहिंदे गुरु अंगद देव जी नूं जिहड़ा तुहाडे कोल सिक्खी मंगण आवे उहनूं कहिणा इशनान करके जब जी साहब पढ़िया कर गज के आखो सतनाम। नित मैं उठे से करें इशनाना जप पढ़ है एक चित सावधाना कर कृपा प्रभ सार संग जिन्नी माता कौला भलाई केंद्र गुरु ने नाम रखाया 25-30 साल पहले और मैनू ये बड़ी गुरु के चरणों ते माण है कि जिहड़ी पहली क्लास है ना गुरबाणी पढ़न लई उदम भावें अजे अर्थ नहीं पता अजे रस नहीं आया ये तुहानू सारी संगत को एक माण करियो कलगीधर दे चरणा ते। मैं बैठा बैठा सोच रहा सी कि जिहड़ी पहली क्लास है ना गुरबाणी पढ़न लई उदम करना ये साल विच तीन वारी तुहाडे सारिआं कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी खुले पाठ वंडण की सेवा लैंदे आखो सतनाम। बहुत संगत नूं पता है एक कलगीधर जी दे आगमन दिहाड़े ते दो महीने पहला तुसी चौपाई साहब दे खुले पाठ संगतां नूं बेनती करदे हो। गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े ते जपजी साहब दो कु महीने पहला एक बंदी छोड़ दिहाड़े ते 2 अक्तूबर नूं जो मनाया जांदा है उस तों 1.5-2 महीने पहले चौपाई साहब हुण कई इतराज भी करदे गिणती क्यों करदे खुले पाठ तुसी दिंदे तुसी किन्ने करोगे जी 1.5 महीने च गुरु गोबिंद सिंह जी दे आगमन दिहाड़े दी खुशी सही मायने विच एक खुले पाठ क्यों वंडे जांदे ने कि जिन्हां ने कदी गुटका साहब भी नहीं फड़िया गुरु गोबिंद सिंह तेरी कृपा होवे वह भी जुड़ जाण आखो सतनाम। बाकी कोई तुहानू गिणती बारे कहे तो डट के कह दिया करो गिणती गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप की। जदों अमृत छकांदे 5 प्यारे कहिंदे 5 बाणियां 6वीं रहिराज साहब 7वां सोहिला साहब गिणती आ गई सारे गुरु ग्रंथ साहब च गिणती है। मैं 11 अंग ते सहज पाठ छड्डिया जी मैं 250 अंग ते सहज पाठ गिणती ना काम करिए गिणती एक अपने अंदर हौसला देण लई है उस तो बाद कहना यही है तू सेवा लई आ। गुरु अमरदास जी ने कहा 84 पौड़ियां 84 इशनान 84 पाठ जब जी साहब श्रद्धा नाल करे ओदी गुरु नानक की कृपा नाल 84 कटी जाए आ गिणती ना ये जोड़न का पराल। और आ जदों सारी संगत साल विच 3 वारी खुले पाठ जदों तुसी होरना नूं प्रेरणा ये इंज समझो भी अनेकां जीवां नूं तुसी गुरु नानक की पहली क्लास दे विच साध संगत जी लिया रहे हो आखो सतनाम। आ मैनू बचन याद आ जांदा आनंद एवन्यू का परिवार इत्थे बैठे ने भैन जी गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन दिहाड़ा सी ते जपजी साहब जी के पाठ महीना सवा महीना पहला जेडे दिते गए उन्हां दे घर एक दोधी दुध देण आंदा है सिख सी गुरु ते जदों उन्होंने उस दोधी नूं
उदो 15 दिन रह गए अरदास दोधी आख्या भाई तू जपजी साहब का पाठ रोज करदा आपको सतनाम उन्हें आख्या जी सानू दुध का काम इन्ना सानू जपजी साहब पढ़न का समय नहीं लगता वो आनंद एमनू दे परिवार ने उस दोधी आख्या भी खुले पाठ मंडे जाते ने 15 दिन बाद अरदास होनी है तेरे मैं लिख लव तू हाजरी गुरु गोबिंद सिंह दी खुशियां लैण लई ये तुहाडे अमृतसर का वाकया भी वह दोधी ने कहा चलो मैं 5 रोज करांगा मेरे भी 75 लिख लो तुसी ये मैनू परिवार ने महीने बाद आप दसिया कहिंदे जिस दिन अरदास एक दिन उन्हें पहले पूछा भी हो गए पूरे हो गए तो कहिंदे फिर महीने के बाद वो दोधी ने की जिक्र किया कि मैं वो शरीर हाँ जिन्हें कभी जपजी साहब का गुटका साहब भी नहीं सी फड़िया पर हुण मेरा 5 पाठ रोज का नेम बन गया है फायदा होता तुसी जे चौथी च पहुंच गए हो पर उपराला ना छड़ो अनेकां नूं पहली क्लास भी लियाणा ये पहली क्लास है भी गुरबाणी पढ़न लई उद्यम ही करना उद्यम यह नहीं पता अर्थ की ने अजे भावें कोई गल नहीं यह नहीं पता अजे रस की है भावें पहली है शुरू तो होया अगाई कृपा होगी मंजिल मिलेगी और मैं सारी संगत नूं बेनती करदा कि जिहड़ा ये पहली क्लास है गुरबाणी पढ़न लई उद्यम करना ये सारी संगत अपने बच्चियां लई भी जरूर करे आखो सतनाम जरूर करे मैनूं एक महापुरश बचन सुना रहे सी कहिंदे कई शरीरां ने अपने बच्चियां नूं एहो जे स्कूलां च पाया जिथे पंजाबी पढ़नी एक पासे रह गई पंजाबी पढ़न ते उन्हां नूं फाइन लगदा है तुहानूं सब नूं पता एहो जे स्कूल भी ने अपने हिंदुस्तान विच भी उत्थे बच्चा पंजाबी बोले कहिंदे तूं पंजाबी च गल कीती तैनूं फाइन लगेगा आप घर गए थे क्या खाया था इस तरह बोलो वो कहते मैं घर गया सी मैं की खादा सी तू पंजाबी बोली तेन फैन लगे यहोजी स्कूल है बहुत ध्यान देना ये महापुरशां ने मैनू बचन सुनाया कि जिन्होंने अपने बच्चों नू उन्हां स्कूलां च पाया जिथे पंजाबी च बोलन ते फैन लग जांदा है ते कहिंदे सी जे असी एहो जे स्कूलां दी चोण कीती ते समझ लो असी अपनी कुल विच्चों सिक्खी दी जड़ पुट दित्ती जे असी अपने बच्चे नूं एहो जे स्कूलां विच पाया जिथे पंजाबी पढ़न ते फाइन लगदा है ते समझ लो असी अपनी कुल विच्चों सिक्खी दी जड़ पुट दित्ती अगों सवाल करन वाले ने सवाल कीता जी जे बच्चा पंजाबी नहीं पढ़िया तो अपनी कुल विच्चों सिक्खी दी जड़ पुटती है किवें सुनियो जवाब उन्हां दा कहिंदे कोई तुहाडे बच्चे नूं वड्डे होके पुछेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच की लिखिया ते बच्चा जदों कहेगा साडे मां बाप ने सानू पंजाबी पढ़ाई नहीं सानू नहीं पता की लिखिया विच जदों बच्चा कहेगा साडे मां बाप ने सानू पंजाबी पढ़ाई नहीं सानू नहीं पता विच की लिखिया ते महापुरश कहण लगे जे वड्डे हो के बच्चा ये जवाब दवे मेरे मां बाप ने मैनू पंजाबी नहीं पढ़ाई मैनू नहीं पता विच की लिखिया ते कहिंदे फिर समझ लेना असी अपनी जिंदगी दी बाजी हार के जा रहे हैं आखो सतनाम फिर बाजी हार के गए हैं जी अपने बच्चियां नूं बाकी कुछ इहो जे शहर ने राजस्थान यूपी जिथे मजबूरी है पंजाबी टीचर है ही नहीं
अगर कोई इस तरह की मजबूरी हो वे, स्कूल ही नहीं है जिथे पंजाबी, तो फिर महापुरुषों का वचन सी कि शाम नू हफ्ते च दो तीन दिन कोई ट्यूशन रखा दो बच्चे की, या गुरुद्वारे के ग्रंथी सिंह राही यतन कर लो, पर साढ़े बच्चे गुरबाणी की पहली क्लास पंजाबी पढ़ के फिर गुरबाणी पढ़न की पहली क्लास में जरूर दाखिल हो जाए। आखो सतनाम। ये शहर मुताबक कोई मजबूरी है, यहोजा शहर है गुजरात, मान लो कोई होर शहर है, पंजाबी नहीं उत्थे स्कूल च पाना गुरु के सिख ने, फिर शाम को हफ्ते दो तीन दिन कोई पंजाबी पढ़ाने वाला टीचर रख ले, या ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे दे बेनती मान जान उन्होंने हो जाए कि बच्चे नू इस घर के दाखले दे लई भी जेड़े यतन ने वो जारी रहे। ये जिन्नियां मावां भैन वीर बैठे हो बहु झाती, असी इहोजे स्कूलां च बच्चे तो नहीं पाए भी जिथे पंजाबी च गल करन ते फाइन लगता है। आखो सतनाम। अपने बच्चों लई भी आ एक मिनट पढ़ियो। माता की आसीस पूंदा, माता की आसीस, माता की आसीस पूंदा, माता की आसीस। गज के भैणों माता माता की आसीस पूता, माता की आसीस। सारिया मावां नू पितावां नू पिता जी नू बेनती है अपने बच्चियां लई भी एक खाना कि वह पहली क्लास चढ़े ने कि नहीं, कि मैं बाबा जी की जोरी च बैठा, तीन चार दिन पहले मैं एक चंडीगढ़ वर्गे शहर च गया ते तकरीबन मेरा ख्याल 14 साल का बच्चा होना है, तो एक माँ प्यो मेरे को लियाए कहिंदे जी इहनूं सीस दिओ कल इहदे पेपर शुरू होने। चलो मैं उहदे मोडे ते माड़ा प्यार दिता ते नाल मैं पूछ लिया मैं किन्नी उम्र, कहिंदा 14 साल। मैं कहा जपजी साहब रोज करदा हुंना, उन्हें सिर लाया नहीं। मैं कहा चलो 14 साल है। मैं कहा 20 पौड़ियां करदा रोज, कहिंदा नहीं। मैं कहा तू ही, मैं वह बच्चे नूं इत्थों तक पुछे, मैं कहा 5 पौड़ियां रोज करदा है, तो कहिंदा नहीं। हाको सतनाम। मैं वो माँ बाप नूं आख्या नाले सीस दवाण ले आयो, तो इत्थों तक नहीं अज तक तुहाडे को होया कि अपने बच्चे नूं 14 साल का हो गया 5 पौड़ियां भी नहीं सिखाईया, पहली क्लास च नहीं दाखल। जिहड़े महापुरशां दी सानू संगत प्राप्त, वो तो इतों तक कहते सी कि मावां नूं तुहानूं पिता नूं इन्ना प्यार होवे अपने कलगियां दे नाल कि अपने बच्चे की एक डायरी परमारत ही लाया गया, अपने बच्चे की एक डायरी परमारत ही लाओ, इनू केड़ी केड़ी बाणी कंठ कितों तक है, ये केड़ा केड़ा कृपा हो गई है, केड़ी केड़ी बख्शिश हो गई, केड़े केड़े शब्द याद हो गए, वो बच्चे का उत्साह वधदा कि मेरे माता ने मेरी एक डायरी परमारत दी लाई है, तो फिर ज्यों ज्यों परमारत दी डायरी ते बच्चा अगलियां क्लासां जाई जावे उन्नू भावें कोई दुनियावी प्यार वधाई जाओ पर वो जुड़ जावे। अज भगत फरीद जी गुरु ग्रंथ साहिब च बैठे ने, इहदे सदका ही उहदी मां ने, फरीद जी दी मां ने अपने हिरदे विच अपने बच्चे लई डायरी लाई हुई सी, भावें शक्कर दे लालच विच ही उन्हूं ये उदम देता सी नमाज पढ़। हुण नमाज का रस नहीं पता, अर्थ नहीं पता, पढ़ शक्कर मिलेगी, ये पहली क्लास है। बस गुरबाणी पढ़न लई तुसीं उदम करना ते देना,
और महाराज ने इन्हू इना सत्कार किया। एक बारी वीर पड़े एक बारी भैणा मन अजे नहीं जुड़िया कोई गल नहीं, पर पहली क्लास में दाखल ते हो गुरबाणी पढ़न लई उद्दम कर, उद्दम उद्दम करेंदे आ जीओ। हुण कईआं दे दिमाग च मैनू बड़े बाबे ने वाजा फड़ाता ते कई मैनू दास नू फिर सवाल कर देंदे आ कहिंदे जी उद्दम करके की हो जाणा, साडे कर्मां च नहीं लिखिआ बाणी पढ़नी ते साडा की कुछ तेरा भला हो जाए। इहो जिहा नूं की जवाब, साडे कर्मां च नहीं लिखिआ नाम जपणा जी उद्दम नाल की हो जाए, साडे कर्मां च नहीं लिखिआ अमृत वेले उठ। ते मैनूं अज तों 7 साल पहले एक महापुरशां ने बचन सुनाया सी, तुसीं सुणिओ, एक 17-18 साल का बच्चा सी, उदी अखां च आ गया मोतिया, दिसना बंद हो गया, उन्हें कराया ऑपरेशन। ऑपरेशन वेले फिर जदों 5-7 दिन पट्टी बजी रहिंदी है, डॉक्टर ने रोज़ आना, उस 17-18 साल के बच्चे ने पूछना, डॉक्टर साहब कदों पट्टी खोलनी है? बेटा ऐतवार खुलेगी, 7 दिन बाद खुले। जदों डॉक्टर साहब ने आना उन्हें कहना, डॉक्टर साहब कदों पट्टी खुलनी है? ऐतवार खुलेगी। उन्हें एको गल कहनी, डॉक्टर साहब मैं वेख सकांगा? हाँ हाँ अरदास करो, तू वेख सके। डॉक्टर साहब मैं वेख सकांगा? हाँ भी वेख सके। ऑपरेशन होया गुरु मेहर करेगा। डॉक्टर साहब मैं पढ़ भी सकांगा? कहते हाँ वेखेगा तो पढ़ेगा भी। कहते 7वां दिन आ गया, ये महापुरशां ने मैं बचन सुनाया सी, बड़ी सिख्या लाई। कहते जो 7वां दिन आ गया तो वह पट्टी खोली, जो पट्टी खोली तो डॉक्टर कहता, बेटा सामने माता खड़ी सी, बेटा कौन खड़ा है? तो बच्चा कहता, मैं धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, माँ लगती है। बेटा वो परे कौन खड़ा है? जी वो पिता खड़ा है। मैं कितने खड़ा तुम इत्थे? हुण मैं थोड़ा थोड़ा पट्टी खोली सी एकदम क्लीयर नज़र आने लग पिया, वो मेरा भरा खड़ा है। बड़ी खुशी हुई सबनों नज़र आने लग पे। वो बच्चा कहता, डॉक्टर साहब मैं पूछा सी मैं वेख सकांगा? हाँ वेख ला, तू वेख रहे है? मैं पढ़ भी सकांगा? हाँ भाई। कहते किताब लियांदी? किताब लियांदी? हाँ बेटा आ पढ़ो की लिखिया। कहता, डॉक्टर साहब मैं नहीं पता लग रहा, भाई मोटे अखर की लियाओ, बरीक अखर होने जे हमने ऑपरेशन होया, मोटे अखर की आ गई। बेटा पढ़ो की लिखे? डॉक्टर साहब मैं नहीं पता लग रहा, होर मोटे अखर की लियाओ, भाई होर मोटे अखर की किताब आ गई। बेटा पढ़ो, ए नज़र आ रहा माँ है प्यो है पिता है, तो पढ़ो की लिखे? डॉक्टर साहब नहीं पता लगता, बेटा एडे मोटे अखर की माँ नज़र आ रही है, तो किताब तो नहीं पढ़िया जाता। कहना मैं पढ़ा कि मैं पढ़िया ही नहीं, मैं पढ़ा कि मैं भावे मोटे अखर की किताब मैं पढ़िया ही नहीं। सुनो, कहते उस वेले डॉक्टर ने हाथ खड़े किते, कहते निरंकार अखां विच जोत दे सके। सुनो तुहाडे काम आने वाला बजे जिहड़ी मगरों लाइट आनी उहदी कृपा। कहते निरंकार अखां विच जोत दे सकता है, पर पढ़ना तेरा उद्दम है। आखो सतनाम। जे तू नहीं पढ़िया इंग्लिश नहीं पढ़ सकेगा, डॉक्टर कहण लगा जोत देनी निरंकार दा काम है, पर बच्चिया पढ़ना तेरा उद्दम है। उद्दम इन्ना जरूरी जे आप सब कोई कह दईए साडा की कसूर है जी, साडे को उठाया नहीं जाता अमृत वेले। उद्दम तुहाडी ड्यूटी है, कृपा करनी उहदी ड्यूटी, अखां विच जोत देनी उहदी ड्यूटी है, पढ़ना तुहाडा उद्दम है। आखो सतनाम। तां पढ़ सको इंग्लिश की है, तां पढ़ सको संस्कृत की है, तां पढ़ सको उर्दू की है। इस करके पहली क्लास डट के चढ़नी है, गुरबाणी पढ़न लई उद्दम करना। आखो सतनाम, उद्दम करना तुहाडा। 3-4 मिनट कोई ना उठे, एक बेनती है,
ये पहली क्लास का एक छोटा जा जिक्र वो रख के फिर अगले महाराज दूजी क्लास की सेवा लैन। आप पहली क्लास है गुरबाणी पढ़न लई उदम करना, बस उदम कर लो, फड़ लो गुटका साहब पढ़ो, अजे पहली क्लास है कोई गल नहीं। इनू महाराज ने किन्नी वड्याई दित्ती है, उदम करेंदिया जीओ तू, उदम करेंदिया जीओ तू, गायके उदम उदम करेंदिया जीओ तू, उदम करेंदिया जीओ तू, उदम करेंदिया जीओ तू, कमावदिया सोह पुंज त्याईदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत वाडे पिता जी तुहानू माड़ी जी शाबाश देण किन्नी खुशी होंदी। कोई तुहाडे घर महापुरश आवे, कोई वड्डा बंदा आवे, तुहानू शाबाश दे देवे ते किन्नी खुशी। ऐ तुहानू गुरु गोबिंद सिंह शाबाश देंदे, जीओ तो हुंदी शाबाश, कहिंदे जिहड़ा उदम करदा उहनू भी मेरी शाबाश है। उदम करेंदिया जीओ तू, उदम करेंदिया जीओ तू, भैणो गायके सगल उदम मैं उदम भला, हर का नाम जपो जी सदा, उदम करेंदिया जीओ करेंदिया जीओ। कट के भैनो उदम करेंदिया जीओ, उदम करेंदिया जीओ तू, सारे गज के आखो सतनाम। एक तुसी नाम सुनया बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, इन्हां दीआं किताबां च इक जिक्र है सरहाली अमृतसर की एक बीबी गुरदीप कौर का नाम लिखा। वो अठ दिन का नाम कमाई अभ्यास समागम से रामपुर खेड़े, उन्होंने छेवें दिन समा मिलया महापुरशा ने गल कर, उन्हें गल की बीबी गुरदीप कौर ने, कहती महापुरशो संत गुरबचन सिंह खालसा भिंडर वाले महापुरशा वेले, पता नहीं मैनू एक प्यार आ गया, मौज आ गई, तो मैं सुख लिया कि मैं 101 खंड पाठ साहब करावगी। वो बीबी ने सुख लिया गुरदीप कौर सराली की, कहती भी मेरा मैं संगत करती संत गुरबचन सिंह जी महापुरशा की, उन्होंने एक अद्धी वारी मैं बेनती की कि भी मैं 101 खंड पाठ साहब कराने ने, पर कह लगी समा योजा बन गया कि वह महापुरुष चोला बदल गए अभेद हो गए। कहती संत बाबा करतार सिंह जी खालसा महापुरुष, कहिंदी 2-2.5 महीने बाद मैं उन्होंने बेनती की भी महापुरशों मैं 101 खंड पाठ इंज सुख ले ने तुसी सारा करवा दिओ, ते वो कहन लगी संत बाबा करतार सिंह जी महापुरशां ने मैनू
ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਣਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਈ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਸਮਾਗਮ, 8 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਓਹੋ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਸਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 101 ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇ। ਸੁਣੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਿਆਰਵਾਂ ਵੀਹਵਾਂ ਪੰਜੀਵਾਂ ਤੀਵਾਂ ਪੈਂਤੀਵਾਂ ਤੁਰੀ ਜਮਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 50 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤੇ ਜੀ, 50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਦਮ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ 50 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੱਕ ਕਰ ਲਏ ਆਪ, ਅਤੇ 50 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਤਮਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਪੋ ਸਾਧਨਾ। ਉਹ 50 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਰੰਗ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਗਲੇ ਰਸ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਚੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 50 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਣੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਡਬਲ MA ਤੱਕ।
सानू चानना होवे केड़ी क्लास च, ये सारिया संगत जड़िया इस कला च है हो दूजिया जोड़ो। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, बोलो जी कर कृपा प्रभु साध संग मेरी।